पाले के मौके पर उल्लुओं पर संकट खड़ा हो जाता है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में इन दिनों वन विभाग लगातार दिन रात गश्त कर रहा है। उल्लुओं को शिकारियों से बचाने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। दिवाली के मौके पर लक्ष्मी जी का पूजन होता है। सुख समृद्धि बने रहे इसके लिए पूजा के बाद लोग माता का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन एक ओर जहां उनकी पूजा होती है तो वहीं दूसरी तरफ दिवाली पर उनके वाहन माने जाने वाले उल्लू की जान पर सबसे ज्यादा खतरा आता है। इस बार भी उल्लुओं की जान पर खतरा मंडरा रहा है। दिवाली के मौके पर कुछ लोग तंत्र साधना और सिद्धि पाने के नाम पर निर्दोष पक्षी की बलि देते हैं। इसकी वजह से उल्लू की मांग बहुत बढ़ जाती है। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में उल्लुओं को बचाने के लिए वन विभाग अलर्ट मोड पर आया है। उल्लू के शिकार की आशंका को लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को निरस्त किया गया। यहाँ रूटीन गश्त के साथ नाइट पेट्रोलिंग भी की जा रही है। जंगल के जिन इलाकों में गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, उन इलाकों में हाथी पर सवार होकर गश्त की जा रही है। नेपाल बॉर्डर से सटे हुए दुधवा टाइगर रिजर्व में 12 प्रजातियों के उल्लू पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रजाति बेहद दुर्लभ हैं। दिवाली के दिन प्रेत आत्मा और अघोरपंत को मानने वाले लोग पहले तो उल्लू की पूजा करते हैं, उसके बाद उसकी बलि देते हैं। उनका मानना है कि इस क्रिया करने से लोगों को धनवान बनाया जा सकता है, जिसको लेकर दिवाली के आसपास शिकारी सक्रिय हो जाते हैं और बड़ी संख्या में उल्लुओं को पकड़कर बेचते हैं। इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व में उल्लुओं को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और चप्पे चप्पे में निगरानी की जा रही है। हमारा दुधवा टाइगर के आसपास गांव में भी बहुत सारा नया नया लोग भारत से आते रहते हैं। उन लोग द्वारा ज्यादा आने के कारण भी कुछ ना कुछ प्रेशर थोड़ी बहुत आगे बढ़ता है। इसके लेके हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व में कोई भी स्टाफ के लेके हायर ऑफिसर तक किसी का भी छुट्टी नहीं मिलता है। हम लोग पूरा दिवाली पीरियड में इधर रहता है। हम लोग को अभी दिवाली पीरियड में सतर्क हमेशा कैसा जंगल के अंदर पेट्रोलिंग काम होती रहती थी। दिवाली के दौरान अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में उल्लुओं के अवैध शिकार का खतरा बन जाता है। उल्लुओं को तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए बलि देने की घटना सबसे ज्यादा होती है। बताया जाता है कि रॉक आउल या ईगल आउल की दिवाली के दौरान सबसे ज्यादा मांग रहती है। उल्लुओं को तस्करी के जरिए बेचा जाता है, जिनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों तक चली जाती है। ये जो दीपावली की रात में कुछ समय से ऐसी लोगों ने गलत अफवाहें उठाई हैं, अघोर, जबकि अघोर तंत्र वाले कभी ऐसा नहीं करते हैं। ये बिना पढ़े लिखे, बिना जाने बिना जाने मूर्ख लोग इन पशुओं की, पक्षियों की बलि देते हैं, उल्लू की बलि देते हैं दीपावली की रात में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। ये बहुत ही गलत है, बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी पक्षी की बलि अपने स्वार्थ के लिए नहीं देनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहीं दर्शन नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की बलि दें। भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत उल्लू संरक्षित पक्षियों के तहत आता है। उसे पकड़ने या बेचने पर 3 साल या उससे ज्यादा की सजा का नियम है, लेकिन दिवाली पर उल्लू की तस्करी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। लोगों को इस बात को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है कि निर्दोष पक्षी की हत्या करके धनवान नहीं बन सकता है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी।